और इसका असर हम सभी के लाइफ पे बहुत ज्यादा होने वाला है। मतलब आप कर चल सकते हो दोस्तों कि हर एक के लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो पीरियड होगा। इसमें कईयों के नए फेजेस शुरू होंगे कईयों की नई लाइफ शुरू होगी कईयों को दर्दों से मुक्ति मिलेगी कईयों को कर्जों से मुक्ति मिलेगी तो तकरीबन अच्छा ही होने वाला है दोस्तों ये बहुत बड़ा महीना होने वाला है और एड टू दैट इसमें नवरात्र भी है चलिए वैसे आप पढ़िए बार बार सारा कुछ कर सकते हैं आपने पहले लिखा नवरात्री April से स्टार्ट है और 9, 10th April तक चलेंगे हाँ। नवमी जो जो है हमारी मतलब अष्टमी अष्टमी की होगी। की लोग कन्या पूजन करते हैं दोस्तों वो अभी हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से तो अष्टमी जो होगी दोस्तों की अष्टमी होगी मतलब इस बार कम नहीं है जैसे दो नवरात्रे मिल जाते हैं इस बार पूरे चलिए

शनि की ही दूसरी राशि के अंदर आ जाएगा दोस्तों और आपको एक बात बताऊँ यहाँ से एक बड़ा हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि मंगल देखें यहाँ पे मंगल की एक राशि दोस्तों बनती है नंबर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन दोस्तों एक राशि से मंगल होगा अपने इलेवंथ हाउस के अंदर इलेवंथ राशि में और एक से होगा दोस्तों वन टू थ्री फोर एक से होगा फोर्थ नंबर

दोस्तों आप एक चीज देखिए बुध की अगर हम लोग अभी प्लेसमेंट देखते हैं बुध अभी नीच का चल रहा है दोस्तों मैंने आपको वीडियो बनाई चीज की बुध जो नीच का चल रहा है और बुध की जो प्लेसमेंट होगी एरीज एरिजी की मैच के अंदर एट से लेकर पच्चीस करीब सत्रह से अठारह दिन के लिए तो बुध देखिए दोस्तों अभी कहाँ पे नीच का यहाँ से मूव करके एरीज में आ जाएगा और जो बात मैं अभी मंगल के लिए कहता है दोस्तों दोस्तों एरीज राशि होती है मंगल की बुध होता है कमीशन के लिए तो कमीशन का प्लानिट जब मंगल की राशि में आएगा तो वही दोस्तों जो रियल एस्टेट के अंदर हैं एजेंट हैं जिनका जिनका रेंटल इनकम आती है जो रेंट पे देकर प्रॉपर्टी रेंट पे दे कमाते हैं उनके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा होगा वो सभी लोग जो डॉक्यूमेंटेशन में है प्रॉपर्टी के पेपर्स के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, स्टैंपिंग के अंदर है, स्टैंप पेपर वगैरह मतलब करते हैं इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं उनको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा तो एक और अच्छा चेंज है दोस्तों तो मंगल का हम नवरात्रों का देखा दोस्तों मंगल का देखा मैकुरी का ये वाला चेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिकॉज मंगल यहाँ से अपनी नीच राशि से बाहर निकल कर आ जाएगा तो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा हमें

शुक्र की राशि दोनों फ्रेंडली प्लानिट है तो यहाँ से एक और अच्छा काम टाइम स्टार्ट हो जाएगा वो सभी लोग जिनके बुध की राशि है जिनका बुध का लगन है शुक्र की राशि शुक्र का लगन है लिब्रोटोर जैमिनाई वर्गो तो एक और अच्छा चेंज बुध के दोनों ट्रांजिट दोस्तों बहुत अच्छे होने वाले स्पेशली जब हम देखते हैं कि यहाँ से बुध ना सिर्फ निश्ता से बाहर आ जाएगा बल्कि शनि के स्पेक्ट से बाहर आ जाएगा तो काफी बेहतरीन चेंज होगा ये बुध राशि वालों के लिए बुध लगन वालों के लिए एक और अप्रैल हमें वेट करने की यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं वर्थ वेटिंग जो है बिल्कुल और सबसे बड़ा चेंज राहु इन एरीज

राहु और केतु दोस्तों हर नेटल चार्ट के अंदर इनकी जो प्रवृत्ति है इनका जो नेचर है इनकी जो प्रकृति है ये उल्टा चलते हैं रेट्रोग्रेड चलते हैं तो ये उल्टा चलते हैं दोस्तों अभी वृषभ राशि के अंदर ये मूव करके एरीज में आ जाएंगे और दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ से 18 महीने का टॉर्चर खत्म हो जाएगा 18 महीने का मेंटल टॉर्चर खत्म हो जाएगा मेरिड लाइफ में इशूज़ खत्म हो जाएंगे सेक्सुअल लाइफ में इशूज़ खत्म हो जाएंगे फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाएंगे दोस्तों बहुत बड़ा चेंज होगा हाँ ये सब अब झेलना पड़ेगा दोस्तों कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को एरीज वालों को मेष लगन वालों को उनमें भी होंगे लेकिन दोस्तों एक ये तो एक चीज़ है लेकिन बाकी कई चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटीज़ को काटती भी हैं तो ऐसा नहीं हम मान कर चल सकते कि यहाँ पर राहू आते हैं मेष राशि वालों के लिए मेष लगन वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्रॉब्लम जाएंगे दोस्तों पक्का आएंगी तो लेकिन उनको काटने के लिए उनको उस इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए और भी कई ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को हेल्प करेंगे और क्योंकि दोस्तों ये मेष राशि जो सॉरी वृषभ राशि जो है इंडिया की भी फर्स्ट मतलब फर्स्ट हाउस बनते हैं इंडिया के फर्स्ट हाउस में था राहु केतु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में थी इंडिया का जो नेटल हॉरोस्कोप है दोस्तों उसमें भी राहु फर्स्ट हाउस में है तो अठारह महीने के इंडिया का भी जो टॉर्चर था एज ए नेशन वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा और प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू होंगे इंडिया तो मिल जाएगा झेल रहते हैं इंडिया को रिलीफ मिलने तो और आगे कोई वेव्स भी अगर आती हैं दोस्तों कोविड की अगर कोई कोई एक और लहर आती है कोई वेव आती है क्योंकि तो यहाँ से राहू मूव करके यहाँ पे आ चुका होगा इंडिया के फर्स्ट हाउस को मूव करके ट्वेल्थ हाउस में आ जाएगा तो इंडिया को उससे ज़्यादातर नुकसान नहीं होगा इसका जो है जान माल का जो नुकसान है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कम्पनसेट हो जाएगा राहू की मूवमेंट की वजह से चलिए

मान लीजिए ये मान लीजिए ये अगर राहु है दोस्तों एक केतु है हमेशा वन एट्टी डिग्री पर रहेंगे जब राहु मूव करेगा उतना ही केतु मूव करेगा दोस्तों ऐसे चलेगा ये ऑपोजिट रहेंगे दोस्तों एक दूसरे के तो जैसे ही राहुल दोस्तों तो ट्वेल्थ हाउस में आ जाएगा तो एक्जैक्टली केतु सिक्स हाउस में आ जाएगा यहाँ पे अगर हम लिब्रा की टॉरस की बात करें तो केतु उल्टा चलता हुआ दोस्तों आठ के बाद नंबर सात में आ जाएगा और लिब्रा के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा लिब्रा सेंटेंट के तो दोस्तों केतु की मूवमेंट और राहु की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है राहु जहाँ पे नेगेटिविटी लेकर आता है कन्फ्यूजन लेकर आता है एंग्जाइटी लेकर आता है फोबिया लेकर आता है डिप्रेशन लेकर आता है उसी तरीके से दोस्तों केतु जो है तो उसको उल्टा काम करता है वो कहीं ना कहीं एक एक एनर्जी लेकर आता है पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है केतु को हम लोग आग कहते हैं दोस्तों आग लेकर आता है एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आगे बढ़ने का जज्बा लेकर आता है केतु को हम लोग झंडा कहते हैं दोस्तों झंडा मतलब ऊंचाई धर्म के साथ लेकर आता है स्पिरिचुअलिटी में लेकर आते हो केतु यहाँ से मूव करके लिब्रा वालों को हो सकता है दोस्तों चोट का दे दे सीन

और फिफ्टीन मई तक 22 तक यहाँ रहेगा एक महीने का चेंज है सूर्य जो है हमारा एक मेष लगन में जा रहा है उच्च का होकर हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा सूर्य दोस्तों ग्रहों का राजा ठीक है जी और राजा एग्जॉल्टेड हो जाए मतलब राजा को और पावर मिल जाए तो समझ के चले कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये बहुत बड़ा चेंज होगा दोस्तों ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा यहाँ पे जो सिंह लगन के जो लोग हैं सिंह राशि के जो लोग हैं वृश्चिक लगन के जो लोग हैं या वृश्चिक राशि के जो लोग हैं या एरिज लगन के जो लोग हैं एरिज राशि के जो लोग हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ से तोहफा ही तोहफ़ा मिलेगा ये बहुत बड़ा चीज होगा मिड ऑफ़ द मंथ यहाँ से जो इनको फर्स्ट हाउस में राहु और से थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी भी वो कहीं कही ना कहीं सूर्य के आते हैं यहाँ पे कंपन शर्ट हो जाएगी हाँ इसमें नेगेटिविटीज़ आएंगी दोस्तों खासकर जो लोग हेल्थ जो जिनको हार्ट के इशूज है जिनको ब्रेन के इश्यू है उनके लिए यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है वो चीज़ें रिलेप्स कर सकते हैं वो हम अलग से बात करेंगे लेकिन ओवरऑल अगर हम लो लोग बात करें ये चेंज सूर्य का, का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बेटर चेंज है प्लस में लेके जाएगा और हाँ एक चीज़ और सॉरी देखिए दोस्तों सूर्य अगर इंडिया का चार्ट है दोस्तों वृषभ लगन का सूर्य यहाँ पे बनता है फोर्थ का लॉर्ड यानी कि जनता जनता का लॉर्ड दोस्तों एक्जॉल्टेड हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर होती ही होती हैं थोड़ी सी जो अब हम बोलते हैं पाइसिस महीने का चेंज है हाँ, हाँ, लगभग पाइसिस महीने का दोस्तों चेंज होता है दोस्तों गुरु अब आप नोटिस कीजिए देखिये गुरु कहा गुरु है कुंभ राशि के अंदर और ये मूव करेगा एक साल के बाद लगभग तेरह महीने के बाद अपनी ही राशि में आ जाएगा दोस्तों ये इस चीज़ को गार्ड बांध के चल लीजिए दोस्तों ये जो गुरु का पाइस में आना अपनी ही राशि के अंदर आना पाइस लगन यानी कि मीन लगन मीन राशि धनु लगन धनु राशि इनको इतना ब्लेस कर देगा इतना पीसफुल कर देगा इतनी खुशियां लेकर आ जाएगा दोस्तों ये चेंज क्योंकि 12 साल के बाद होगा दोस्तों 13 साल के बाद लगभग होने वाला है ये चेंज इतना बड़ा चेंज होगा दोस्तों कि सबको कह सकते हो आप कि ये मतलब अपनी राशि में दोस्तों गुरु बारह साल के बाद आएगा तो यहाँ पे आते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी वो सभी लेडीज़ जो प्रेगनेंसी का देख रही थी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत थी जो लड़कियाँ शादी के लिए देखना चाह रही थी कोई गुरु जो होता है दोस्तों पति का रूप होता है जिनके जिनके हस्बैंड की एज कम थी या उनको प्रॉब्लम चल रही थी वो वो यहाँ से चीज़ों को हम रेमिडीज़ करेंगे तो बेटर होती हैं एजुकेशन के लिए यहाँ से बेटर हो जाएगा यहाँ से स्परिचुअलिटी के लिए बेटर हो जाएगा लॉयर्स के लिए यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा टीचर्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा ये दोस्तों बहुत बड़ा चेंज है मेरे ख्याल में ट्वेंटी ट्वेंटी का ये काफ़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस में से एक सबसे प्लस वाला चेंज है वाला सजिटेरियस और पाइसेस वालों को तो बहुत बेनिफिट होगा सजिटेरियस लगन उनका फर्स्ट 9 एंड 12 हां

कि, किसी भी कुंडली के अंदर हाउस होता है प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी लेना चाहता है कार लेना चाहता है दोस्तों तो जैसे ही गुरु यहाँ पे आ जाएगा कई दोस्तों रस्ते ऐसे खुल जाएंगे उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और यही दोस्तों गुरु टेंथ हाउस का देखेगा जब तो टेंथ हाउस प्रोफेशनली भी बेटरमेंट होने से बिकॉज आप प्रोफेशनली बेटर होंगे प्रोफेशनल की इनकम से अपना नया घर ले सकता है आप लोन ले सकता है बैंक से तो जब कुंडली बनाएंगे तो मतलब अलग वीडियो बनाएंगे इसके तब बात करेंगे हम मतलब ज्यादा चांसेस है बाकी जब हम कुंडली इस पर बनाएंगे जुपिटर के चेंज पर तो हम और डिटेल में बताएंगे अदरवाइज लोग पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं चलिए नाइन नंबर शनि इन क्वेरियस शनि अपनी ही राशि में क्वेरियस कुंभ में जाएगा ट्वेंटी नाइन अप्रैल को और ट्वेल्थ सेवन 12 जुलाई तक ये 12 जुलाई हाँ, मैं, हो जाएगा हाँ मैं बता दूँ दोस्तों दोस्तों ये है मदर ऑफ ऑल चेंजेस तो ये गांड मांग के चलो शनि का चेंज दोस्तों जो होगा वो महान चेंज होता है एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड के अंदर दोस्तों हम लोग तीन चेंजेस पे वेट करते हैं क्योंकि तो यही तीन चेंज क्योंकि लंबे होते हैं दोस्तों यही काम करते हैं पहला होता है दोस्तों राहु का इसी महीने चेंज हो रहा है गुरु का अप्रैल में ही चेंज हो रहा है और दोस्तों शनि का शनि चौबीस जनवरी दो को आए तक अपने टैप्रिकॉन में और कई मेरे क्लाइंट्स हैं दोस्तों उनको मैंने पहले ही कह दिया था कि जब शनि यहाँ पे मूव करके आएगा खासकर वो जिनका तुला लगन का था जिन जिनकी शनि के राशि थी शनि की जिनकी शनि का लगन था उनको एक ही बात बोलती कि शनि क्या वेट करें आप कहाँ से कहा पहुँच सकते हैं और दोस्तों परमात्मा ने उनकी सुनी शनिदेव ने उनकी सुनी उनकी लाइफ में बाहर आ गई लेकिन अब जब शनि मूव करके एक्वेरियस में आ जाएगा देखो कैप्रिकॉन भी शनि की राशि एक्वेरियस भी शनि की राशि है लेकिन एक्वेरियस जो है दोस्तों कुंभ राशि जो है शनि की वो है मूल त्रिकोण राशि मूल त्रिकोण राशि शनि की स्ट्रांग राशि में शनि का ना दोस्तों इतनी बड़ी काम करें इतने लोगों को गरीबी से निकाल देगा इतने लोगों को महल दे देगा मतलब मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है दोस्तों इतनी उनको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से कर्म सामने आ जाएंगे अपने कर्मों को यहाँ से फल मिलना शुरू हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी दोस्तों एक बात बताऊँ कैप्रिकॉर्न में दोस्तों था टेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और कुंभ होता है डबल वन देखिए यहाँ तो फिर भी दोस्तों एक जीरो भी था वन भी था जीरो भी था यहाँ पे था वन वन अब अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग है दशा आपकी अच्छी चल रही है आपके कर्म ठीक है तो आपको डबल वन मिल जाएगा यानी कि आप डबल डबल तरीके से नंबर वन हो सकते हैं शनि की कृपा रही तो आप राजा बन के रह सकते हैं दोस्तों और वन नंबर तो दोस्तों होता है भी सबसे बड़ा नंबर कहा जाता है सूर्य का नंबर होता है तो सूर्य की तरफ आप चमक भी सकते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दें अपनी मेहनत पर ध्यान दें दे, डेडिकेशन सेक्रीफाइस हार्डवर्क स्मार्ट वर्क सब करें शॉर्टकट पर ना जाए अपने घर में अपनी माँ को अपने बाप को अपनी वाइफ को अपनी बहन के साथ अच्छा बना कर चलें परिवार में बनाकर चलें अपनी वाइफ के बाहर मतलब अपनी मैरिज के बाहर मतलब कदम ना रखें किसी तरीके से एडिक्शन बचे, से बचें जुए से सट्टे से बचें और ये जो शनि का चेंज होगा हल्का सा भी अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर सपोर्टिव है दोस्तों बहुत आगे लेके जाएगा हाँ इसमें दोस्तों हालांकि होता है ढाई साल का चेंज तीस महीने का चेंज होता है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बारह जुलाई तक शनि रहेंगे अपने कुंभ राशि के अंदर फिर रेट्रो ग्रेड मोशन जो कि जून में रेट्रो हो जाएंगे उल्टा ट्रैवल करते हुए शनि वापस एक कैप्रिकॉन में आ जाएंगे पहले जाएंगे ऊपर

जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी शुक्र की कुंभ राशि में जाने की शुक्र को लग्जरीज के साथ जोड़ा गया शुक्र को पैसा के साथ जोड़ा गया गर्लफ्रेंड के साथ जोड़ा गया बेडरूम का सुख हर तरीके का प्लेजर दोस्तों जो पैसे लेकर खरीदा जा सकता है वो शुक्र के साथ चलता है गुरु के साथ दोस्तों तो इंटरनल सुख जो होते हैं धर्म का स्पिरिचुअलिटी का एजुकेशन का शुक्र का दोस्तों सुख मिलता है मुझे पैसे देकर खरीदा जा जाता है और शुक्र का दोस्तों अभी देखिए अगर आप नोटिस करेंगे अभी अगर हम बात करें शुक्र अभी कुंभ राशि के अंदर मतलब इकतीस ये ये दोस्तों शुक्र अभी ऐसे यहाँ पे है ये शुक्र ये इकतीस मार्च को आएगा दोस्तों यहाँ पे जैसे ही शुक्र यहाँ पे इकत्तीस मार्च को आ जाएगा शनि की राशि के अंदर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे गुरु भी रहेगा तेरे दिन शुक्र के साथ तो जो भी लोग तुला लगन के हैं टॉरस के हैं कैप्रिकॉन है क्वेरियंस हैं उनके लिए यहाँ से इतनी बड़ी यहाँ से खबर आ जाएगी और इकतीस तारीख और सताइस अप्रैल को जैसे ही शुक्र मूव करके अपने एक्जॉस्टेड साइड में आ जाएगा और लग्जरी का प्लानिट दोस्तों उच्च का हो जाए लग्जरी का प्लान एग्जॉल्टेड हो जाए तो बल्ले बल्ले तो, तो शुक्र से जो भी रूल आउट हो जिनके जिनकी शुक्र की दशा भी चल रही है इनफैक्ट इनके कुंडली में शुक्र वीक भी है नीच का भी है शनि के साथ है राहु के साथ है उनको भी यहाँ से बहुत बेनिफिट मिल जाएगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अप्रैल का जो महीना है लाइफ चेंजिंग टाइम और ये कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा पॉजिटिव वे में ही करेगा ज़्यादा आज फेसबुक एक पोस्ट दोस्तों उस पर लोगों ने मुझे पूछा कि कैसा रहने वाला है तो ये जो चेंज होगा कहीं ना कहीं होगा और सबकी लाइफ में एक प्लस लेकर ही जाएगा कुंडली नेगेटिव भी है उनको भी ये चेंजेस प्लस में लेकर जाएंगे मतलब अप्रैल का महीना सबके लिए बहुत अच्छा लाइफ टर्निंग चेंज हो सकता मतलब लोगों की लाइफ में ब्लास्ट होगा अच्छे के लिए जो अगले महीने चेंज हो रहे हैं सबके लिए कैसा रहेगा डिटेल वीडियो हम बनाएंगे आप देखिएगा अगर और भी कुछ आप देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए मैसेज कीजिए नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कि अप्रैल से आगे आपकी लाइफ कैसे रहेगी तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है आप नंबर डायल कीजिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अपना चलिए आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो के साथ बाय टेक केयर हैव अ गुड डे जय माता दी फ्रेंड्स टेक केयर स्टे स्टेबले